जाना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। एटीएम से पैसे निकालने गए युवक का कार्ड बदलकर खाते से निकाले 1,40,000। थाना गाजीपुर क्षेत्र बी ब्लॉक पर HDFC एटीएम में युवक के साथ हुआ फ्रॉड। ताजा मामला, राजधानी लखनऊ इंदिरा नगर बी ब्लॉक पर बने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने गए युवक के साथ हुआ धोखाधड़ी। लखनऊ कमीशन रेट पुलिस में आए दिन कभी टप्पेबाजी, कभी पुलिस के भेस में गहने उतारने की खबरें आती रहती हैं। एक ऐसा ही मामला जब युवक ने युवक को ही हाथ की सफाई दिखाते हुए 1,40,000 खाते से निकाल लिए। लखनऊ कमिश्नर का सख्त आदेश है कि बैंक के पास पुलिस का पहरा रहना चाहिए, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इंदिरा नगर बी ब्लॉक पर युवक के साथ हो गया फ्रॉड। पेश है लखनऊ से वशिष्ठ चौबे की खास रिपोर्ट। क्या कहा? उन्होंने ये कहा, मैं आपका काम करता हूँ, दो दिन से यही कर रहा हूँ। दो दिन से मैं कल भी गया था, परसों भी गया था। ट्रांजेक्शन देखे, उसमें आपने जो निकलवाया है, ये मेरे ट्रांजेक्शन है जो कि ये मेरे 2 फरवरी के ट्रांजेक्शन है। ये सबसे पहले मेरा जो है ये 90,000 का ट्रांजेक्शन जो कॉल मशीन से हुआ है, और ये 10,000 का ट्रांजेक्शन है जो 5 ट्रांजेक्शन है जो पूरे 1,40,000 का अमाउंट है। पूरा मेरा नील हो गया है, मेरा अकाउंट खाली कर दिया। तो मतलब ये बताइए, लड़का जो था आपके साथ, उसने फ्रॉड जो किया, आपके हाथ की सफाई की, जो तो एक टप्पेबाजी भी होगी, कह सकते हैं कि आपको मतलब एकदम बेवकूफ बनाया गया। तो किस तरह वो उसके साथ और भी कोई था बाहर, मतलब वो पहले से कैसे उसको पता चला कि? मैं एक बार बताना चाहूंगा, मेरे बगल में, जस्ट बगल में एक लड़की भी, वो पैसा निकालने के लिए आई थी, उसके साथ भी एक लड़का खड़ा हुआ था, मेरे साथ अलग पीछे एक लड़का था, और वो लड़की पैसा निकाली थी, उसके पीछे भी एक लड़का आ गया उसको कि आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और आपका ट्रांजेक्शन आप कर लीजिए पूरा। उसके बाद वो दोनों जब वहाँ से लड़के चले गए, तो उस लड़की ने कहा आपका पैसा निकला, तो मैंने कहा नहीं निकला है अभी। तो उसके बाद वो भी वहाँ से चले गए, मैं भी वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं जब बैंक, नहीं तो जब आप एटीएम के अंदर घुसे, तो ये बताइए कोई था उसके अंदर एटीएम में? पहले कोई नहीं था, उसके बाद जब ट्रांजेक्शन मेरा हो रहा था, तो जब प्रोसेसिंग में मेरी मशीन चली थी, तो मैं उसे 10 मिनट रुका कि शायद पैसा निकल रहा है मेरा, मैं चला जाऊंगा तो पैसा निकल आ जाएगा, तो दिक्कत हो। नहीं तो जब आप एटीएम में इंटर कर रहे थे, तो बाहर कोई खड़ा था? तो बाहर उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं जब एटीएम से पहले बार जब मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो उसके बाद बाहर आके खड़ा हुआ था, तब उधर से एक लड़का वो आया था, उसने मुझसे ये भी पूछा था कि सर भाई पैसा निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो मैंने ये कहा कोई दिक्कत आ रही, पैसा नहीं निकल रहा है। तो उसने अंदर जाके, उसके बाद वो ये अंदर गया, उसके बाद ये कहने लगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेसिंग में है, उसने कार्ड लगाने के लिए बोला। तो मैंने कहा प्रोसेसिंग में, मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद ये सारा वारदात। धन्यवाद। ये ट्रांजेक्शन है, ये सबसे पहले मेरा जो है ये 90,000 का ट्रांजेक्शन जो कॉल मशीन से हुआ है, और ये 10,000 का ट्रांजेक्शन है जो 5 ट्रांजेक्शन है जो पूरे 1,40,000 का अमाउंट है। पूरा मेरा नील हो गया है, मेरा अकाउंट खाली कर दिया। तो मतलब ये बताइए, लड़का जो था आपके साथ, उसने फ्रॉड जो किया, आपके हाथ की सफाई की, जो तो एक टप्पेबाजी भी होगी, कह सकते हैं कि आपको मतलब एकदम बेवकूफ बनाया गया। तो किस तरह वो उसके साथ और भी कोई था बाहर, मतलब वो पहले से कैसे उसको पता चला कि? मैं एक बार बताना चाहूंगा, मेरे बगल में, जस्ट बगल में एक लड़की भी, वो पैसा निकालने के लिए आई थी, उसके साथ भी एक लड़का खड़ा हुआ था, मेरे साथ अलग पीछे एक लड़का था, और वो लड़की पैसा निकाली थी, उसके पीछे भी एक लड़का आ गया उसको कि आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और आपका ट्रांजेक्शन आप कर लीजिए पूरा। उसके बाद वो दोनों जब वहाँ से लड़के चले गए, तो उस लड़की ने कहा आपका पैसा निकला, तो मैंने कहा नहीं निकला है अभी। तो उसके बाद वो भी वहाँ से चले गए, मैं भी वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं जब बैंक, नहीं तो जब आप एटीएम के अंदर घुसे, तो ये बताइए कोई था उसके अंदर एटीएम में? पहले कोई नहीं था। उसके बाद जब ट्रांजेक्शन मेरा हो रहा था, तो जब प्रोसेसिंग में मेरी मशीन चली थी, तो मैं उसे 10 मिनट रुका कि शायद पैसा निकल रहा है मेरा, मैं चला जाऊंगा तो पैसा निकल आ जाएगा, तो दिक्कत हो। नहीं तो जब आप एटीएम में इंटर कर रहे थे, तो बाहर कोई खड़ा था? तो बाहर उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं जब एटीएम से पहले बार जब मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो उसके बाद बाहर आके खड़ा हुआ था, तब उधर से एक लड़का वो आया था, उसने मुझसे ये भी पूछा था कि सर भाई पैसा निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो मैंने ये कहा कोई दिक्कत आ रही, पैसा नहीं निकल रहा है। तो उसने अंदर जाके, उसके बाद वो ये अंदर गया, उसके बाद ये कहने लगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेसिंग में है, उसने कार्ड लगाने के लिए बोला। तो मैंने कहा प्रोसेसिंग में, मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद ये सारा वारदात। धन्यवाद। 10,000 का ट्रांजेक्शन है जो 5 ट्रांजेक्शन है जो पूरे 1,40,000 का अमाउंट है। पूरा मेरा नील हो गया है, मेरा अकाउंट खाली कर दिया। तो मतलब ये बताइए, लड़का जो था आपके साथ, उसने फ्रॉड जो किया, आपके हाथ की सफाई की, जो तो एक टप्पेबाजी भी होगी, कह सकते हैं कि आपको मतलब एकदम बेवकूफ बनाया गया। तो
किस तरह वो उसके साथ और भी कोई था बाहर, मतलब वो पहले से कैसे उसको पता चला कि? मैं बताना चाहूंगा, मैं एक बार और बताना चाहूंगा, मेरे बगल में जस्ट बगल में एक लड़की भी वो पैसा निकालने के लिए आई थी, उसके साथ भी एक लड़का खड़ा हुआ था, मेरे साथ अलग पीछे एक लड़का था और वो लड़की पैसा निकाली थी, उसके पीछे भी एक लड़का आ गया उसको कि आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और आपका ट्रांजेक्शन आप कर लीजिए पूरा। उसके बाद वो लड़की, वो दोनों जब वहाँ से लड़के चले गए तो उस लड़की ने कहा आपका पैसा निकला, तो मैंने कहा नहीं निकला है अभी, तो उसके बाद वो भी वहाँ से चली गई, मैं भी वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं जब बैंक, नहीं तो जब आप एटीएम के अंदर घुसे तो ये बताइए कोई था उसके अंदर एटीएम में? पहले कोई नहीं था, पहले कोई नहीं था। उसके बाद जब ट्रांजेक्शन मेरा हो रहा था तो जब प्रोसेसिंग में मेरी मशीन चली थी तो मैं उसे 10 मिनट रुका कि शायद पैसा निकल रहा है मेरा, मैं चला जाऊंगा तो पैसा निकल आ जाएगा तो दिक्कत हो। नहीं तो जब आप एटीएम में इंटर कर रहे थे तो बाहर कोई खड़ा था? बाहर उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं जब एटीएम से पहले बार जब मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था तो उसके बाद बाहर आके खड़ा हुआ था, तब उधर से एक लड़का वो आया था, उसने मुझसे ये भी पूछा था कि सर भाई पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो मैंने ये कहा कोई दिक्कत आ रही पैसा नहीं निकल रहा है, तो उसने अंदर जाके उसके बाद वो ये अंदर गया, उसके बाद ये कहने लगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेसिंग में, उसने कार्ड लगाने के लिए बोला, तो मैंने कहा प्रोसेसिंग में मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद ये सारा वारदात। धन्यवाद। इस अंत में फिलहाल इतना ही, इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।